मुल्की तारीख में पहली मर्तबा सहाफियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड का इजरा। फर्ज की अदायगी के दौरान जामाहक होने वाले सहाफियों के लिए खसूसी फंड के क्याम का ऐलान। सहाफी के अहलखाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान कोड और डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इजरा भी कर दिया गया। वफाकी कवानीन भी अब वेब पोर्टल पर दस्तयाब होंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने फराइज की अदायगी में कई चैलेंजेस और खतरात का सामना करना पड़ता है। सेहत बीमा कार्ड और विफाकी कवानीन से मुतालिक मोबाइल ऐप का इजरा इनकलाबी इकदाम है। विफाकी कवानीन के डिजिटलाइज होने से जजेस, वकला, कानूनी माहरीन, हुकूमती अहलकार और आम आवाम भी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। एक हफ्ता कबल सेहत बीमा कार्ड के हवाले से स्टेट लाइफ के साथ माहदे पर दस्तखत हुए। आवाम अब पोर्टल के जरिए कवानीन से आगाही हासिल कर सकेंगे। विफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ शोबों में दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के लिए पेशकर्दा मंसूबों की हतमी मंजूरी। इजलास में विफाकी वुज़रा, वुज़रा आला, आर्मी चीफ और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। ज़राअत, IT, लाइफ स्टॉक, कानकनी, तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आज़म की मुख्तसर मुदत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को फाल बनाने और मुअस्सर कारकर्दगी की तारीफ। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अफगान सरजमीन पर कलदम तंजीमों की आजादाना सरगर्मियों पर तहफ्फुज़ात हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों का मुलविस होना खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अपने शहरियों का हर कीमत पर तहफ्फुज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब। निगरान वज़ीरे आला पंजाब की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इमाम बुखारी के मजार पर हाजिरी। फातिहा खानी, पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। इमाम बुखारी और दीगर सूफिया उल्मा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरक असासा है। मोहसिन नकवी। बाजी खेल की हो, जान की है बात अपनी पहचान की। एक है जज्बा, एक है दिल, एक है दिल, एक धड़कन। तू ख्वाब भी, ताबीर भी, तू रंग भी, तस्वीर भी। तेरा परचम उठाए शान से, तू अजीज अपनी जान से। हम जब मैदान में जाते हैं, तेरा परचम दिल से सजाते हैं। ये हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम है। हमारी तरफ से पूरी कौम को आजादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। गली गली, करिया करिया, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे, बूढ़े और जवान यौम आजादी मनाने के हवाले से इंतहाई पुरजोश। वतन के जर्री सपूत फातेह लक्ष्मीपुर, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। सदर ममलकत और आर्मी चीफ की जानिब से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शाहिद परवेज ने फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुल्क भर की मसाजिद में भी कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम। शहदा का लहू हम पर कर्ज है, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करतीं। उल्मा का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। मेजर तुफैल शहीद ने शुजात और बहादुरी से मादर वतन की हिफाजत और फर्ज की अंजामदही की लाजवाल दास्तान रकम की। पूरी पाकिस्तानी कौम मेजर तुफैल शहीद की इस कुर्बानी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। शुहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। वज़ीर आज़म सीनियर हुयत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक और दुख्तर रजिया सुल्ताना की शिरकत। अक़वामे मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन तक मार्च और याददाश्त पेश की गई। अपने बाबा की रिहाई के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। रजिया सुल्ताना।
भारत में वजीर आजम मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस आज हो रही है। वोटिंग से कबल अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आ गए। राहुल गांधी के पार्लियामेंट में वापसी से अपोजिशन इत्तेहाद की आवाज को तकवीत मिलेगी। रूस जुमे को चांद की जानिब अपनी गाड़ी रवाना कर रहा है। ये गाड़ी चांद की सतह से इकट्ठे किए जाने वाले नमूनों का तजिया और वहां लंबी मुद्दत तक साइंसी तहकीक जारी रखेगी। चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान अपने पांचवें और अहम मैच में कल भारत के मध्य मुकाबल होगा। चौथे मैच में पाकिस्तान ने चीन को एक के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। पॉइंट्स टेबल पर कौमी टीम की चौथी पोजीशन। टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। मेगा इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराहे रास्त। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मरहला जारी। कोलंबिया और जमैका की टीमें मेलबर्न में मध्य मुकाबले होंगी। फ्रांस और मराकेश एडिलेड में आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराहे रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद, मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। नाज़रीन, मुल्की तारीख में पहली मरतबा सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड का इजरा कर दिया गया। विफाकी कवानीन भी अब वेब पोर्टल पर दस्तयाब होंगे और इस हवाले से पाकिस्तान कोर्ट और डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इजरा कर दिया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत बीमा कार्ड और विफाकी कवानीन से मुतालिक मोबाइल ऐप के इजरा को इनकलाबी कदम करार दिया और कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट अपने फ़राइज़ की अंजामदही और अदायगी में कई चैलेंजेस और खतरात का सामना करते हैं। उन्होंने साहम काविश पर वज़ीर इत्तला'आत और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश की। आज तक किसी कॉलमनिस्ट ने, किसी सहाफ़ी ने कोई स्टोरी लिखी हो, तनकीद की हो, कोई मेहरबानी की हो, मैंने कभी ना किसी से गिला किया। ये आपका फ़र्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अदा करें। ये हमें इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती। माँ सुबह सिर्फ एक बात के कि तनकीद हकाइक पर मबनी हो तो उससे बहुत मदद मिलती है, और अगर वो हकाइक से हट कर हो तो फिर उससे बिगाड़ पैदा होता है। ने फर्ज की अदायगी के दौरान जिंदगी से हाथ धो बैठने वाले सहाफियों के लिए भी खुसूसी फंड के कायम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खुसूसी फंड से सहाफी के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को कोर्ट, वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जज, वकला, कानूनी माहरीन, कानून के मुताबिक तालिब इल्म, हुकूमती अहलकार और आम शहरी हर किस्म के विफाकी कवानीन तक रसाई से हासिल कर सकेंगे। इस अहम इकदाम पर वजीर कानून और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि एक हफ्ता कबल सेहत बीमा कार्ड के हवाले से स्टेट लाइफ के साथ माहदे पर दस्तखत हुए। आज वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान कोड और डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट का बाज़ाब्ता इजरा किया। आवाम अब पोर्टल के जरिए कवानीन से आगाही हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों में सेहत बीमा कार्ड तकसीम किए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत 15 लाख रुपए की कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। सहाफी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और टेक्निकल रिसोर्स मुल्क भर में 1200 अस्पतालों से आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। और खसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में दोस्त मुल्कों से सरमाकारी के लिए पेश करदा मनसूबों की हतमी मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले आला सतह इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में खुसूसी सहूलत काउंसिल की फ़ालियत और बाहमी तआवुन के जरिए उमूर की अंजामदही को सराहा। एपेक्स कमेटी ने सेमिनार्स और प्रोजेक्ट के इफ्ताह के जरिए दायरा कार में इजाफे की हिकमत अमली की भी सताइश की। इजलास में खुसूसी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आला सतह सऊदी वफद के पाकिस्तान के आइंदा दौरे के कामयाब इनेकाद के लिए हर तरह की हिमायत का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने इस यकीन का भी इजहार किया कि निगरान हुकूमत मुस्बत शराकत दारी के लिए काविशें जारी रखेगी। एपेक्स कमेटी की जानिब से मंजूर किए गए मनसूबे ज़रात, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई के शुबों से मुतल्लिक हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि अफगान मुहाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। उन्होंने अफगान हुकूमत से सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्ला अफवाज के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इजहार पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब में किया। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के हेडक्वार्टर्स कला बाला हिसार का दौरा किया और यादगार शोदा पर हाजिरी भी दी। इस मौके पर तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा और दोहा अमन मुहिदे की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कलदम तंजीमों की आजादाना सरगर्मियों पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। ये खवारज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज शहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह। उन्होंने कहा कि हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। पाक फौज का मकसद और नस्बुलैन शहीद या गाजी है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक शानदार फोर्स है और उसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मंजूरी के बाद कबाइल के इंजमाम के मसाइल हल करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम कबाइली अवाम की माशी तरक्की के हवाले से तरक्याती मनसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए की मालियत के तरक्याती और फलाहो बहबूद के नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज अपने कबाइली भाइयों के साथ है और उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। कबाइली अमायदीन और मिश्रान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये यकीन दिलाया कि कबायली अवाम फौज के साथ थी और हमेशा साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि वो कभी भी कलदम दहशतगर्द तंजीमों के नजरियात को अपने इलाकों में फैलने नहीं देंगे। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नेक्टा असलाहत मुकम्मल कर ली गई हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के तनाजुर में फौरी तौर पर जामे और मौसर पॉलिसी तरतीब दी जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन का बुनियादी किरदार अदा करते हुए नेक्टा को ठोस आदाद और शुमार की बुनियाद पर हिकमत अमली के जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुआवनत फराहम करना होगी। वज़ीर दाखला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नेक्टा इंसदादी दहशतगर्दी के सफ़े अव्वल इदारे के तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम पर मबनी पॉलिसी हिकमत अमली और लाहे अमल बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। यकीन है कि हमारी कोशिशों से मादर वतन में दायमी अमन और माशी खुशहाली लौट आएगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 माह के लिए 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। इस सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त 2023 से 30 जून 2024 तक होगा। वज़ीर ख़जाना ने इस दौरान आटे की कीमत में इजाफा न करने की हिदायत भी की। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में तरसीलाते ज़र की वसूली में इजाफे के लिए स्टेट बैंक की 6 मराती स्कीमों की भी मंजूरी दी गई। कमेटी ने रवा माली साल के पहले 3 माह के लिए के इलेक्ट्रिक के सारफीन पर यकसा टारफ के इतलाक और ट्रांसमिशन लाइन पॉलिसी 2015 में मुजवजा तरामीम के हवाले से वजारत तवानाई की समरी की भी मंजूरी दी। ECC ने वज़ीर आज़म हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत मीडिया वर्कर्स सहाफ़ियों और फनकारों समेत फिल्म फाइनेंस फंड के लिए 3 अरब रुपए जबकि वजारत दिफा के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर किए। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी निजकारी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ।
इजलास में कौमी एयरलाइंस को पार्लियामेंट की तरफ से कवानीन में तरमीम के बाद निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया। कमेटी ने निजकारी कमीशन को रूजवेल्ट होटल की निजकारी के हवाले से मालियाती मुशीर की खिदमत हासिल करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में तजारती लेन देन से मुतालिक बैनुल हुकूमती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कराची बंदरगाह पर मुतहदा अरब अमारात की कंपनी एडी पोर्ट्स की जानिब से कार्गो टर्मिनल की तामीर का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुज़ाकराती कमेटी को हिदायत की कि मुतहदा अरब अमारात की कंपनी के साथ अच्छी शराइत पर माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दोबारा बातचीत की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आइन की बालादस्ती और इदारों का इस्तेहकाम हमारी तरजीह रही है, गुज़श्ता हुकूमत ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस किए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अपोजिशन जमात ने हालात से कुछ नहीं सीखते हुए कौमी इमलाक और जिना हाउस पर हमले किए। हम हुकूमत संभाले, हमें ऐसा एक अपोजिशन का जमात मिला जिनको ना जमहूरियत का फिक्र था, ना आईन का फिक्र था, ना पार्लियामान का फिक्र था, ना मुल्क का फिक्र था, ना अपना जमात अपने कारकुनों का फिक्र, और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जम्हूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा इसलिए दिया कि मुल्क को नुकसान ना हो, हमारी सियासत का महवर मसाइल का हल और आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए, सियासी कुव्वतों को बैठकर फैसला करना होगा कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास होगा। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है कि किस चार्टर के तहत, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ना सिर्फ हम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे, मगर किस तरीके से हमारे इदारे दूसरे इदारे के साथ चलते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में मुल्क भर के नौजवानों को वोट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला और समत का तायुन करेगा। नौजवान अपने वोट की ताकत से तामीर, तरक्की और खुशहाली की कुव्वतों को कामयाब बनाकर बंदूक, पेट्रोल बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून का कला बनाकर 10 साल की महरूमियों का खात्मा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यूथ डिविजनल कमेटियां मुकर्रर करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमरा नौजवानों के नुमाइंदों से मुलाकात में की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिविजन्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील देने की तजवीज़ दी गई, जिन पर मुशावरत के बाद कमेटियों के काम को हतमी शक्ल दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जल्द अज जल्द देहात की सतह पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने सैनेट की कायमा कमेटी से पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान कर लिया है। उनका कहना था कि ये बिल बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था, बहुत सी तरामीम आ चुकी हैं, पार्लियामान के 2 दिन रह गए हैं, इतने कलील अरसे में इन तरामीम को बिल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, फैसला नई पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। सैनेट की कायमा कमेटी इत्तला'आत और नशरियात का इजलास कन्वीनर फौजिया अरशद की सदारत में हुआ। वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये बिल सहाफियों के हकूक के तहफ़ुज़ के लिए मुखलिसाना कोशिश के तहत तैयार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सहाफियों के साथ मिलकर आज़ादी इज़हार राय के लिए जंग लड़ी। मैंने आप लोगों के साथ शोल्डर टू शोल्डर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जंग लड़ी। मेरी क़यादत ने गला घोंटने, सेंसरशिप से ले लेकर उनकी आवाज़ बंदी तक हमने वो जंग सड़कों के ऊपर लड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ी। आपको याद है जब पीएमडीए आ रहा था, ये पीएमडीए जो पिछली हुकूमत लेकर आ रही थी, मैंने वो धरने दिए हैं। सारे इख्तियार चेयरमैन पैमरा से लेकर मैंने अथॉरिटी को दिए, अथॉरिटी के बाद इंडिपेंडेंट एडवर्टाइज काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को दिए, और उसके बाद मैंने वो नीचे कोर्ट तक अपील तक दे दी इन सबको। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने कहा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ समेत आर्टिकल 19 को पैमरा तरमीमी बिल 2023 में शामिल किया था, अगर काला कानून बनाना होता तो इसके लिए 12 माह मेहनत की जरूरत नहीं थी। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया की डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून है, उसको इनकी शिकों में डाला, पूरा रिस्ट्रक्चर किया, उस पूरे बिल को मुशावरत की। मैंने वर्कर्स के साथ, अभी हेल्थ इंश्योरेंस मैंने काट,
एक्सेस प्राइम मिनिस्टर ने करवाई, क्यों करवाई? क्योंकि मुझे पता है कि वर्कर किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। सैलरी जो है वर्कर की विद इन टू मंथ्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं देगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप सैलरी दो महीने में देंगे, उसमें उन्होंने कहा मैं लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी करती है, मैंने हकूक की खिलाफ वर्जी करती है। कमेटी अरकान और साफियों की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तिलात को बिल वापस लेने के फैसले पर नजरसानी के लिए कहा गया। अफजल भट्ट ने कहा बहुत साल बाद ऐसा बिल आया है जो साफियों और मीडिया वर्कर्स के लिए बना है। इजलास में साफियों और रिपोर्टर्स ने खड़े होकर बिल की हमायत का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तिलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिल में 28 से ज्यादा तरामीम आई है, इसलिए मैं इधर छोड़कर जा रही हूँ ताकि इनको भी शामिल किया जा सके। इजलास में MDPTV सुहेल अली खान, चेयरमैन पैमरा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी के अलावा हमिद मीर, अब्दुल मालिक, आमिर मतीन के अलावा सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों और वर्किंग जर्नलिस्ट की बड़ी तादाद शरीक थी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने पर पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने कौमी असेंबली इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर वजीर तालीम दाना तनवीर हुसैन और रुकने कौमी असेंबली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने सहाफियों से मुजाकरात किए। PRA के सदर सिद्दीक साजिद, साबिक सदर बहजाद सलीमी और साबिक सेक्रेटरी जनरल MB सोमरू ने वजीर तालीम को मुतालबात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल वापस लेकर कारकुन सहाफियों को एक बार फिर तनख्वाह के बरवक्त मिलने से महरूम कर दिया गया है। बिल में तनख्वाह न मिलने पर अपील का हक मिल रहा था, इसे वापस लेकर जुर्म किया गया है। हुकूमत की मुदत मुकम्मल होने से पहले पैमरा तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाए। वज़ीरे आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर तुफैल शहीद ने अपनी शुजात व बहादुरी से मादर वतन की हिफाजत और फर्ज की अंजामदही की लाजवाल दास्तान रकम की। उन्होंने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान की परवाह भी ना की। पूरी पाकिस्तानी कौम मेजर तुफैल शहीद की इस कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। वज़ीरे आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम को वतन की सलामती की अपने खून से आबियारी करने वाले शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं किया करती। फातह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बुरे वाला में शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब हुई। रिपोर्ट करेंगे राना शहजादुसलाम। बरवक्त कुव्वत फैसला, भरपूर जवाबी वार और अल्लाह पर ईमान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर जैसा आला तरीन अस्करी एजाज बख्शा। आपने मशरकी पाकिस्तान के इलाके लक्ष्मीपुर में दुश्मन को नाको चने चबवाए और वतन की अजमत और हिफाजत की खातर जान का नजराना पेश किया। मादरे वतन की खातर बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ने वाले तुफैल मोहम्मद शहीद आज दहशत गर्दों और अंदरूनी चैलेंजेस से नबर्द आजमा पाक फौज के जर्री सपूतों के लिए बहादुरी की रोशन मिसाल हैं। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मजार पर उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26 डिवीजन मेजर जनरल शाहिद परवेज ने सदर मुमलकत और आर्मी चीफ की जानिब से मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की के लिए दुआ की। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा इकराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। लहू से सरजमीने वतन की आबियारी करते हुए अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजात और बहादुरी की धाक बटाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने यह साबित किया कि बहादुर मुश्किलात से नहीं घबराते और मुल्क के दिफा की खातर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर 9 कराची में शुरू हो गई है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी समेत तीनों मुसल्ला फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। और इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी के आदादोशुमार की सरकारी अशात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर करने के लिए कानूनी टीम से मुआवनत तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कानून टीम को हिदायत की गई कि आयन और कानून की रोशनी में इजलास को ज़रूरी रहनुमाई फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने लॉ विंग को हुक्म दिया कि इदारे की तरफ से दायर तमाम प्राइवेट शिकायात की फौरी समाअत और फैसलों के लिए मुतल्लिका अदालतों से रुजू करे।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और उम्मान के दरमियान तिजारत दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तावुन को वसूत देने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में उमान की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खामिस अल रईसी से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि दोनों मुल्क मुश्तरका मजहबी तारीखी और सकाफती वरसे में बंधे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में तावुन दोनों मुल्कों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम है। सदर ममलकत ने उमानी वफ्द को मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक के संगीन सूरत हाल से भी आगाह किया। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका। बाजी खेल की हो, जान की है बात अपनी पहचान की। एक है जज्बा, एक है दिल, एक है दिल, एक धड़कन। तू ख्वाब भी, ताबीर भी, तू रंग भी, तस्वीर भी। तेरा परचम उठाए शान से, तू अजीज अपनी जान से। हम जब मैदान में जाते हैं, तेरा परचम दिल से सजाते हैं। ये हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आजादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। और नाज़रीन, आज़ादी किसी भी कौम के लिए अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है। आज़ादी की हकीकी कदर वही जानते हैं जिन्होंने इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। वकार हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये दास्तां है पाकिस्तान की, बात है यौम आज़ादी से पहले की। अभी तक 14 अगस्त 1947 का दिन तो नहीं आया, लेकिन घर घर से पाकिस्तान की आवाजें बुलंद हैं। हर मुसलमान के घर में माह मुबारक रमजान और पाकिस्तान का इंतजार हो रहा था। तहरीक पाकिस्तान के बुलंद गुलगुला ने पुरसकून जिंदगी में इंतशार बपा कर दिया था। मुसलमानों के घरों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते सुनाई देते थे। इन नारों में एक नारा यह भी था, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन तब घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लगाना आसान न था। हर तरफ फसादात बपा थे। आखिरकार वो मुश्किल तरीन वक्त भी गुजर गया। 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। आज हम ना सिर्फ अपने घरों की छतों पर पाकिस्तान का परचम लगाते हैं, बल्कि अब हर गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम फराज दिखाई देता है। आज हम इस वतन की जो बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला और उनके वफ़द ने पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत इमाम बुखारी और दीगर सूफ़िया और उलमा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरक असासा हैं, जिनकी तालीमात मुस्लिम उम्मा के लिए मशलेरा हैं। वज़ीर-ए-आला ने इमाम बुखारी मेमोरियल कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और उसके फ़न तामीर को सराहा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 अगस्त तक जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मजीद जवाब जमा करवाने के लिए हक पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा समाअत से कबल महफूज फैसले पर ऑर्डर जारी करेंगे। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के मावन वकील नवीद अंजुम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और पीटीआई की जानब से अबूरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कितने अबूरी जवाब जमा करवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन तमाम केसेस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता है। इस केस में मजीद कार्रवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रोशनी में करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर आवाम का कहना है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है और लोगों के सामने उनकी असलियत सामने आ गई है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। आवाम समझ चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं।
اس نے پاکستان کا تہس نہس کر دیا۔ وہ جو بارڈر لائن عمران نے کراس کی ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہی لوگ باہر نہیں آ رہے۔ تو لوگ آپ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا فضول ہے۔ عمران خان نے کیتا ہی کچھ نہیں ہے اپنے چاروں سالوں میں۔ اب لوگ بھی پہچان گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آج تک ہم ایسے ہی آگے لگے رہے ہیں۔ عمران خان کے پیچھے کہاں بھاگے گے؟ عمران خان کے پیچھے بھاگے گے تو گھر کون چلائے گا؟ 3 سال قید اور 5 سال نااہلی، بالکل دا آئین اور دا قانون مطابق ہوا۔ ہمارا خیال لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ عمران خان نااہل ہے، اسی لیے تو کوئی ابھی نہیں نکلا ہے۔ لوگ اتنے بولے بالے نہیں ہیں، عوام اب سمجھدار ہے، وہ اب عمران خان ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ 9 مئی دا ملک دشمن پالیسیوں حکومت حملے وشولے دا دمو ملک فوج بدنامی او دمو آغا دی وجہ نے دخل گو دے دوبارہ نستلو ایسے سوچ میں پیدا کی۔ جو 9 مئی کا اس نے واقعہ کیا اس کے بعد عوام کو بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ہمیں ملک عزیز ہے۔ عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو اس نے عوام کے لیے کر دیا سب غلط کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک سیاسی آدمی ہی نہیں ہے۔ تنزل یہ آئی ہے، یہ عمران خان کے گزشتہ 3.5 سال دور کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ بالکل رد عمل دینا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اپنا پیٹ دیکھیں گے یا یہ پروٹیسٹ وغیرہ دیکھیں گے؟ تنظیم کو بینڈ نہیں لگائے گا تب تک پاکستان آگے ترقی نہیں کرے گا۔ یہ باطل قوتوں کا اہلکار تھا، یہ باطل قوتوں کا ایجنٹ تھا، یہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ تھا۔ مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کارا نے اسلام آباد میں عظیم کشمیری رہنما مرحوم سید علی گیلانی کارنر کا افتتاح کر دیا۔ تفصیل سمیع اللہ سے جاتی ہے۔ بانی حریت سید علی گیلانی کارنر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرا نے کہا کہ سید علی گیلانی ایک بہادر اور ناڈر لیڈر تھے، ان کی تحریک آزادی کی جد و جہد ناقابل فراموش ہے۔ وزیر خارجہ جناب بلال بھٹو صاحب، وزیر اعظم صاحب کو جہاں جہاں موقع ملا ان دونوں لیڈروں نے ہر موقع پہ بھرپور طریقے سے کشمیر کے مقدمے کو، کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم و جبر کو، کشمیر کی قانونی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کو کنڈیم کیا ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد صفی کا کہنا تھا کہ بھارت 7 دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کے حوصلے نہیں توڑ سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے اس کو دفنایا جاتا ہے، یہ وہ عقیدت ہے جو پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی ہے۔ ہندوستان کے خلاف نفرت کے سوا کشمیریوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے قبل قمر زمان کائرا نے نیشنل مونومنٹ میوزیم میں ممتاز حریت رہنما مرحوم سید علی گیلانی کارنر کا افتتاح کیا۔ کارنر میں سید علی گیلانی کی تصاویر، ان کا کوٹ، کتابیں اور دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی جیل میں قید سینئر حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور صاحبزادی رضیہ سلطانہ کی قیادت میں اقوام متحدہ کی مبصر مشن کے دفتر تک مارچ کیا گیا اور یادداشت پیش کی گئی۔ تفصیل بتائیں گے عتیل احمد خان۔ اسیر حریت رہنما محمد یاسین ملک کی رہائی کے حق میں نعرے لگاتے مظاہرین نے افضل گورو چوک سے مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر تک مارچ کیا۔ محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور 11 سالہ صاحبزادی رضیہ سلطان بھی مظاہرین کے ہمراہ تھیں۔ مشال ملک اور رضیہ سلطان نے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو یاداشت پیش کی جس میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہ ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، ان کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے ان سے ملنے کی، نہ ہی فون پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یو این کے آفس میں رضیہ سلطان نے لیٹر لکھا ہے اپنے والد کو بچانے کے لیے، اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشنز ورلڈ باڈی سے کہ میرے والد کو بچایا جائے۔ رضیہ سلطان نے کہا کہ میرے والد نے کشمیر کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے۔ میں 2 سال کی تھی جب میں اپنے پاپا سے ملی تھی اور آج میں 11 ایئرز اولڈ ہوں۔ میں اپنے پاپا کو بہت مس کرتی ہوں، میں اپنے ہمارے اور فیملی از انکمپلیٹ ود آؤٹ ہم۔ میں اپنے پاپا کو ملنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں، ان کی جان بچانا چاہتی ہوں، مگر مودی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رضیہ سلطان نے کہا کہ میرے والد سمیت ہر کشمیری خراج تحسین کا مستحق ہے جس نے راہ حق کے لیے قربانی دی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فورسز نے ضلع پونچھ میں مزید 2 بے گناہ نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
केएमएस के मुताबिक काबिज फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके दिगवार तिरवान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। गुज़श्ता रोज़ भी भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा और राजौरी के अजला में दो नौजवानों को शहीद कर दिया था। भारतीय फौजियों ने कुलगाम, शुपियां, कुपवाड़ा, पूंछ और राजौरी अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी हैं। फौजी हुकाम ने तस्दीक की है कि भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस अहलकारों की जानिब से मुश्तक कार्रवाइयों के दौरान इन अजला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस मौके पर ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस हो रही है जो शाम तक जारी रहेगी। मोदी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पार्लियामेंट वापस आ गए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की इज्जत के मुकदमे में हिज्ब इख्तलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की सजा 4 अगस्त को मुअत्तल कर दी थी। गांधी की पार्लियामेंट में वापसी से कांग्रेस की क्यादत में नौ तश्कील शुदा 26 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद की आवाज़ को तकवीत मिलने की तवक्को है। अदम एतमाद के वोट से नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि हुक्मरान जमात भारतीय जनता को मजबूत अक्सरियत हासिल है। आलमी इदारा सेहत ने इराक में भारत से सप्लाई की गई दवा पर अलर्ट जारी कर दिया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि भारतीय कंपनी का कोल्ड आउट सिरप जुकाम और एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय कंपनी के इराक भिजवाए गए सिरप में जहरीले अज्जा शामिल है जिनकी हद से ज्यादा मकदार पाई गई है। अफ्रीका और मशरक़ वस्ती के कई ममालिक में भारतीय सिरप की वजह से सैकड़ों बच्चे हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में बनाए गए खांसी के शरबत से गुज़श्ता साल गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में 90 बच्चों की मौत हो गई थी। रूस के खलाई इदारे ने कहा है कि वो जुम्मे को चांद की जानिब अपनी गाड़ी रवाना कर रहा है। रूस के चांद मिशन को दोबारा आगाज लगभग 50 साल के बाद हो रहा है। रूसी खलाई इदारे की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि ये गाड़ी चांद की सतह पर उतरने के बाद उसकी सतह से इकट्ठे किए जाने वाले नमूनों का तज्जिया करेगी। वह लंबी मुद्दत तक साइंसी तहकीक जारी रखेगी। चांद पर उतारे जाने वाली गाड़ी का वजन 800 किलोग्राम है और तवक्को है कि उसे चांद के जनूबी कतबी इलाके में उतारा जाएगा। खबर देंगे आपको तुर्किया से, जहां दरिंजा की बंदरगाह के करीब धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये धमाका तुर्क अनाज बोर्ड के गोदामों के करीब हुआ है। मकामी गवर्नर के मुताबिक इब्तदाई जायजों से पता चला है कि एक जहाज से गोदाम में गंदम की मुंतकली के दौरान में गंदम की धूल के दबाव की वजह से धमाका हुआ, लेकिन हम उसकी हर मुमकिन वजह की तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों में से दो की हालत तश्वीशनाक है और तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्की की वजारत नकलो हमल का कहना है कि धमाके की वजह से किसी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुँचा। यूक्रेन के इलाके डोनेट्स्क के शहर पाकरवोस्क में रिहायशी इमारतों पर दो रूसी मिसाइल गिरने से 8 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए हैं। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया है कि हलाक होने वालों में 5 शहरी, 2 इमदादी कारकुन और 1 फौजी एहलकार शामिल हैं। फोर्सेस के 10 एहलकार भी जख्मियों में शामिल हैं। हमले से एक होटल, रिहायशी इमारतों और शहरी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस मशरकी यूक्रेन को पत्थरों में तब्दील करना चाहता है। उधर कीनिया में दर्जनों देहातियों ने काजियाडो के इलाके में एक हाथी को नेजे मार मार कर हलाक कर दिया है। मकामी अफराद का कहना है कि एक रोज कबल हाथियों के गौल ने एक खातून और उसके बच्चे पर हमला किया और अब हाथी ने बच्चे को कुचल कर हलाक कर दिया था, जिसके बाद देहाती मुश्तइल हो गए। इस वाक़े के बाद कीनिया के जंगली हयात के इदारे ने देहातियों और जानवरों के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश की। माहिरों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जानवरों के इलाके में कमी हुई है और वो लोगों के करीब आने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ मजीद कौमी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सजावल ताटा नूर मोहम्मद खान सड़क तामीर करने की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर 25 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से सजावल से हैदराबाद बरास्ता बलड़ी शाह करीम मुख्तसर तरीन सफर होगा। कराची में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि सजावल टंडू मोहम्मद खान रोड सड़क 80.5 किलोमीटर तवील है। इस सड़क की जाति चौक से लिंक 11.84 किलोमीटर है। इस हिसाब से सड़क 92 किलोमीटर तवील होगी। इजलास को बताया गया कि लिंक रोड M9 पर इंटरचेंज जनूब की जानब से शिमाल की जानब ट्रैफिक चलाने का मंसूबा है। इंटरचेंज की तामीर से ट्रैफिक की रवानी हमवार होगी।
अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने न्यूयॉर्क के एक शाहरा को अलामा इकबाल एवेन्यू का नाम दे दिए जाने पर सदर अमरीकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप अली राशिद को मुबारकबाद दी है। सफीर पाकिस्तान ने सदर APAG अली राशिद को पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और अमरीका में पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगही पैदा करने के हवाले से पुरअज़म कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की स्पीकर एड्रिन एडम्स ने कहा कि जुनू हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के करीब पहुँच रहे हैं, मुझे 109वीं स्ट्रीट और 101वीं एवेन्यू को अलामा इकबाल एवेन्यू के नाम से मंसूब करने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। इस मौके पर अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर ने कहा कि 109 स्ट्रीट और 101 एवेन्यू का मुश्तरका नाम अलामा इकबाल एवेन्यू रखना न्यूयॉर्क और पूरे अमरीका में पाकिस्तानी अमरीकियों के लिए एक यादगार कारनामा है। उन्होंने कहा कि यह तकरीब दोनों ममालिक की कम्यूनिटीज़ को बाहमी तौर पर मजीद करीब लाने, एक दूसरे की सकाफत को समझने और इसे मजीद फ़रोग देने में मददगार होगी। नाज़रीन पाकिस्तान और ईरान दीगर शोबों की तरह सियाहत के शोबे में भी तआवुन के लिए पेश पेश हैं। ईरान के वज़ीर सियाहत का हालिया दौरा पाकिस्तान इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस हवाले से तफसील बताएंगी फरहाना खान। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़, कुदरती चश्मे और सरसब्ज वादियाँ जहाँ पुकार पुकार कर रब्बे कायनात की कुदरत बयान कर रही हैं, वहीं दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जो किए हुए हैं। सियाहत के शोबे में मौजूद तरक्की के इम्कानात से इस्तेफादा करके मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में मकामी सियाहत के साथ साथ बैन अल-अक़वामी सयाहों को रागिब करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ईरान के वज़ीर सियाहत सैयद इज़्ज़तुल्लाह ज़रगामी के पाकिस्तान में क़याम के दौरान दोनों मुल्क के दरमियान सियाहत के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात के इम्कानात का जायजा लिया गया और इस हवाले से मजहबी सियाहत के साथ साथ कुदरती सियाहत पर भी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि ईरानी जो हैं पाकिस्तान को अपने सियाहती मरकज के तौर पे, सियाहती हदफ के तौर पे चुने। ईरान के वजीर सियाहत का कहना है कि दोनों मुल्कों की सरहदें ही नहीं दिल भी मिलते हैं। सियाहत के फरोग के लिए फजाई रास्तों के साथ साथ जमीनी रास्तों का इस्तेमाल भी दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित के इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम की सूरत-ए-हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि सुबह पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत-ए-हाल बरकरार है। PDMA के मुताबिक तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला के मकाम से 2,54,000 और कालाबाग के मकाम से 2,77,451 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। चश्मा और तोनसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। PDMA के मुताबिक दरिया सतलज में हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम में पानी की आमद 62,801 और अखराज 61,351 क्यूसिक है। दरियाए रावी में शादरा और सदनाई के मकाम पर जबकि दरियाए चिनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए जहलुम, चिनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है। नाज़रीन मज़ीद आपको बताएं कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहेगा। ताहम इस दौरान खित्ताए पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मलहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और ओमाड़ा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आपको गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि दालबंदीन में 44, सिब्बी 42, दादू में 42, नौकुंड 41 और नवाबशाह में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।